ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आपका इंक्वायरी के खिलाफ दर्ज किया गया है। अधिकार जमीन किसकी थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट साहब किसको मुआवजा मिलना था, किसको अनियमितता हुई है, उनका रिकॉर्ड प्राप्त होने पर फाइल के साथ से आने पर गिरफ्तार किया गया। दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बरती गई लापरवाही के मामले में जिला उपायुक्त की शिकायत पर 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ पलवल के कैंप पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि इस मामले में एक एसडीएम पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। डीसी ने 2 एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किए। इसके अलावा कई कर्मचारियों पर जांच जारी है, जिन पर जल्द ही कानूनी गाज गिर सकती है। दरअसल यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिले के करीब 10 गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिनमें गांव असावटी, जटोला, मैदापुर, प्रथला में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का अवार्ड घोषित कर दी। लेकिन रेलवे के पॉलिसी के अनुसार जिस किसान की जमीन अधिग्रहित हुई है उसे सरकारी नौकरी या 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाने, लेकिन राजस्व के अधिकारी और कर्मचारियों ने जमीन मालिकान के साथ मिलीभगत कर 6, 7, 12, 15 और 30 गज के टुकड़ों में करीब 400 लोगों के नाम राजस्विया कर, जिनको 22.5 करोड़ रुपए अवार्ड घोषित किया गया। रेलवे अधिकारियों को इतनी मोटी धनराशि जारी करने के दौरान शक हुआ और मामले की शिकायत प्रदेश मुख्यमंत्री से की गई। मामले का खुलासा होने पर जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सत्येंद्र दुहन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने 3 एसडीएम, 5 तहसीलदार, 4 रजिस्ट्री क्लर्क सहित 20 लोगों को मामले में संलिप्त पाया। जांच अधिकारी एएसआई संजय कुमार ने बताया कि जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने शिकायत दी है कि दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में रेलवे नियमों का लाभ उठाने के लिए 6 पटवारी, एसडीएम रीडर और एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने नजदीकी रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीदी गई, जिस मामले में कैंप पुलिस थाना में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। एक पत्र क्रमांक नंबर 35 उपायुक्त मध्य पलवल के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण के मुआवजा में अनियमितता के रोड के संबंध में थाना में प्राप्त हुआ, जिसमें धारा 320 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है और ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आपका इंक्वायरी के खिलाफ दर्ज किया गया है। अभियोग के अनुसंधान जारी है और 31 में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अभी अभियोग दर्ज हुआ भी इतना अधिकार भी इंक्वायरी भी है उनका रेनू रिकॉर्ड से लेना कि किसके मुआवजा किसकी जगह किसको दर्द मिला है। जब रिकॉर्ड प्राप्त हो जाएगा तो उसके एड्रेस आने पर उनको गिरफ्तार है। उपायुक्त महोदय ने अपने जांच पत्र में फाइल दर्ज करवाई है, उसमें पटवारियों के और एजल के रीडर हैं उनके भाई ने दर्ज करवाई है। जब रेनू संबंध रिकॉर्ड मुआवजा वितरण का अधिकार जमीन किसकी थी, रेलवे कार्ड के अनुसार किसको मुआवजा मिलना था, किसको अनियमितता हुई है, उनका रिकॉर्ड प्राप्त होने पर फाइल के साथ से आने पर हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।